بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق Question number 6, part A. डी क्लास हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन. आपने डॉटेड फॉर्म में लाइन लिख लेना है. सात बोर्ड टेन वॉशिंग मशीन इक्वल टू 78,000 400 and 950. He spent altogether 78,450 plus rupees 21,550. जी क्लास को प्लस करने आप जीरो फाइव फाइव टेन वन कैरी टेन और फाइव फिफ्टीन वन कैरी एट वन नाइन वन टेन वन कैरी सेवन टू नाइन वन टेन. कितने पैसे इसने खर्च किए? वन लाख फाइव हंड्रेड. ठीक है, ये इसने इतने पैसे अपने टोटल खर्च किए हैं वॉशिंग मशीन खरीदने पे और एक अवन खरीदने पे. नेक्स्ट देखें क्लास क्या लिखा हुआ है. बी पार्ट, हाउ मच मोर अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन देन एन अवन. के अवन से वॉशिंग मशीन और अवन की जो कीमत है उनमें से कितने एक्स्ट्रा कीमत उसने वॉशिंग मशीन पे लगाई है. बी पार्ट देखें क्लास. यहाँ पे आप शुरू करेंगे ही स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन देन एंड अवन इक्वल टू रुपीज 78,950 माइनस. जी क्लास माइनस करेंगे. जहीं मैंने प्लस किया है मैं यहीं पे माइनस करने लगी हूँ. देखें जीरो में से जीरो माइनस किए जीरो, फाइव में से जीरो गए जीरो, नाइन में से फाइव गए फोर,
सेवन और फाइव, कितने एक्स्ट्रा पैसे उसने खर्च किए हैं? 5,057,400। ठीक है, सी पार्ट देखें क्लास। अब हमने बताना है कि उसने टोटल वॉशिंग मशीन में कितने पैसे खर्च किए। He spent on washing machine 78,950 divide 10। 10 पे डिवाइड करते हैं, रफ वर्क देखें आप। 10 7 70 माइनस किया 8, ऊपर से नीचे क्या रहेगा 9। 10 8 80 माइनस किया 9, ऊपर से नीचे क्या रहेगा 5। 5 देन क्या रहेगा 0, 50। जी क्लास क्या आंसर आया? 7,895। एक मशीन की कीमत क्या थी? 7,895 कीमत थी उसकी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन 30 बैग्स 1,350 केजी राइस आर पैक, कि 30 जो है बस्तों में, या आप ये कह लें शॉपिंग बैग में, या आप तोड़ा कह लें, कि जिसमें भी जो है चावल आते हैं, आप देखते हैं कि चावल तोड़े में आते हैं, तो उन्होंने 1,350 केजी जो है चावल उसमें पैक किए हैं। फाइन हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ राइस आर इन वन बैग। क्या आपने बताना है कि एक बैग में कितने किलोग्राम चावल आए हैं। बी पार्ट है हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ राइस विल बी पैकड इन 38 बैग्स। अगर 30 बैग की अगर आपको पता चल जाती है तो फिर आपने बताना है कि 38 बैग्स में कितने किलोग्राम होंगे। क्वेश्चन देखें क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट। इन 30 बैग्स 1,050 kg। Rice in one bag. थर्टी पे डिवाइड करेंगे क्लास इसको। थर्टीन है, थर्टी की जगह 13 नहीं जाता,
थर्टीन टू दर 60, थर्टीन थ्री दर 39, थर्टीन फोर दर 120। माइनस करेंगे 5 में से 5 गए 5, 3 में से 2 गए 1, ऊपर से नीचे क्या रहेगा 0। 35 दर क्या हो जाता है 150, माइनस किया 0। ये क्लास वन बैग में कितने के जी चावल आए? 45 के जी। कितने चावल आए वन बैग में? 45 के जी। बी पार्ट देखें, राइस विल बी पैक्ड इन 38 बैग्स, इक्वल टू 1350 kg, मल्टीप्लाई बाय 38, मल्टीप्लाई नहीं आएगा, डिवाइड आएगा कि है? की कीमत बताई हुई है, क्लास उन्होंने ए की कीमत बताई हुई है और दादा की हमने बतानी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? मल्टीप्लाई। देखिए किस तरह करेंगे, 1350 मल्टीप्लाई बाय 38, 80 दा 0, 85 दा 40, 83 दा 24 और 8, 2, 8 वन दर 8 और 1, 10, then 9 और 1, 10, 1, 0, 0, 13, 1, 4, 5, यही आंसर है। 45 को उसको नहीं किया होगा, हाउ मनी किलोग्राम 45 को मल्टीप्लाई किया होगा? जी क्लास यहाँ पे उन्होंने देखें, यहाँ उन्होंने ये पूछा हुआ है हाउ मैनी किलोग्राम, तो 45 के लिए तो अभी हमने उसका आंसर निकाला था कि उसके इतने किलोग्राम होते हैं, तो इसी वजह से हम इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1350 से नहीं। एट फाइव द 40, 4 कैरी, 32 और 4, 36, 1170 kg। के लिहाज से हमने देखना था कि 30 बैग में अगर 45 के जी आ रहे हैं, तो 45 को जब हम 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 38 बैग्स में कितने आ रहे हैं, 1170 kg हमारे पास चावल पड़े हुए हैं इसमें। जी क्लास नेक्स्ट है हमारे पास, हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हो गया है क्लास। एक्सरसाइज नंबर 2 में जो मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं वो आपने लाजमी करने हैं, ताकि आपको डिवीजन में या डिवाइड करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो है पैटर्न्स। आप सब ये बात जानते हैं कि हमने लर्निंग आउटकम्स में लास्ट पर पढ़ा था कि हमने इसमें पैटर्न सीखने हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी सीखना है। इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है? बढ़ना, और डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है? कम होना। तो जी तो नेक्स्ट पेज आप खोलें, पेज नंबर है 30। जी क्लास पेज नंबर 30 में हमने पैटर्न सीखने हैं। अगर हम गौर से देखें तो हमारी जो काउंटिंग लिखी जाती है वो उस पैटर्न के लिहाज से लिखी जाती है जो आज तक हमें पता ही नहीं है, लेकिन हम इस्तेमाल तो करते हैं उसको, यूज़ तो करते हैं, लिखते भी हैं उसको हम, लेकिन उसमें हमें एक चीज़ नहीं आती है, वो हम पता ही नहीं है कि उसके अंदर कौन सा पैटर्न है इस्तेमाल हो रहा है।
देखिए मैं यहाँ पे कुछ काउंटिंग लिखूंगी, आपने देखना है। हमें पढ़ना है अब पैटर्न्स। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। मैंने 10 तक काउंटिंग लिखी। अब पैटर्न का क्या मतलब है यहाँ पे? वन के बाद मैं क्या प्लस करूँ जो आगे टू आएगा? वन क्या आ गया? टू। टू के बाद क्या करूँ? थ्री। थ्री प्लस वन फोर, फोर प्लस वन फाइव, प्लस वन सिक्स, प्लस वन सेवन, प्लस वन एट, प्लस वन नाइन, प्लस वन टेन। अब आप देखें सब में क्या प्लस हो रहे हैं? वन 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 प्लस हो रहे हैं, तो अगला नंबर हमारे पास आता जा रहा है। तो स्टूडेंट इस वन वन प्लस वन को हम क्या कहते हैं? पैटर्न। क्या कहते हैं क्लास? हम इसे पैटर्न कहते हैं। आप जैसे देखें कि आपकी जो है इंग्लिश में आप लिखते हैं अल्फाबेट कि फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकेंड लेटर स्मॉल एंड द थर्ड एंड द फोर्थ एंड फाइव, जितने भी आप लेटर्स लिखें लेकिन फर्स्ट लेटर इज अ कैपिटल। तो स्टूडेंट ये आपका क्या है? इंग्लिश का पैटर्न है। अब मैथ का पैटर्न क्या है? मैंने आपको अभी बताया कि वन से लेकर टेन तक जो मैंने काउंटिंग लिखी है इसमें जो मैंने प्लस वन किया है, प्लस वन करते जा रही तो नेक्स्ट डिजिट आता जा रहा है। तो प्लस वन क्या है आपके पास? मैथ का एक पैटर्न है जो हम काउंटिंग लिखते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखें, पेज नंबर 30 पे लास्ट पे लिखा हुआ है की फैक्ट। आप पहले इसे अंडरलाइन कर लें क्लास। द रूल ऑफ नंबर पैटर्न टेल्स अस हाउ वन नंबर मेंबर और नंबर इन दिस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर मेंबर और नंबर। इस पूरे लाइन का मतलब ये है कि पैटर्न एक ऐसा सूल है नंबरों का जो हमारे पास अगले नंबर आने की बताता है कि अगला नंबर कैसे आएगा। मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है, प्लस करके भी आ सकता है, माइनस करके भी आ सकता है और डिवाइड करके भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसके अंदर कौन से यूज़ करने हैं? ऑपरेशन यूज़ करने हैं। जी क्लास आगे हमारे पास लिखा होगा कि ऑपरेशन इस्तेमाल करें तो आपको पता होना चाहिए क्या है? प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, दिस इज कॉल्ड मैथमेटिक्स ऑपरेशंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखें, ट्राई योरसेल्फ। लिखा हुआ है टू टर्म आपने बतानी है। नेक्स्ट फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी डैश एंड डैश, ये है आपका ट्राई इट। फाइव को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो टेन आता है, मल्टीप्लाई बाय टू, मल्टीप्लाई बाय टू नहीं आएगा, प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव। देखें फाइव में फाइव प्लस करें टेन, टेन में फाइव प्लस किए फिफ्टीन, फिफ्टीन में फाइव प्लस किए ट्वेंटी, ट्वेंटी में फाइव प्लस करें तो क्या आएगा? ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी में फाइव प्लस करें क्या आएगा? थर्टी। इज इट क्लियर? ये आपके पास आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आप इसे फिल कर लें पेज नंबर 30 पर। नेक्स्ट पेज पर आ जाए पेज नंबर 31। 31 के देखें ऊपर ही लिखा हुआ है 30 कहाँ तक लिखा हुआ है 18 अब आपने बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि नंबर कैसे आ रहे हैं? 30 के बाद क्या आ रहा है? 27, 27 के बाद 24, 24 के बाद 21, 21 के बाद 18। अब यहाँ पे वैल्यूज कम हो रही हैं, ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जिसमें वैल्यूज कम होती हैं क्लास? माइनस। माइनस एक ऐसा ऑपरेशन है जिससे हमारी वैल्यूज कम हो जाती है। तो मैं 30 में से अगर 27 को माइनस करूँ तो देखें क्या आता है। थ्री में से वन कर गए टेन, टेन में से सेवन गए थ्री, टू में से टू गए जीरो, क्या आंसर आ रहा है? थ्री। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसमें से माइनस थ्री कर रही हूँ,
इसमें से भी माइनस थ्री कर रही हूँ, इसमें से भी माइनस थ्री कर रही हूँ। 24 में से 1 माइनस करें 21 तो क्या आता है, माइनस थ्री। माइनस थ्री करें क्या आएगा क्लास, 18 में से माइनस थ्री करें 15। 15 में से माइनस थ्री करें क्या आता है 12। इतना आपने फिल करना है, ये इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट आने पेज नंबर 32। 32 पे देखिए क्लास लिखा हुआ है ट्राई इट, एक्सरसाइज नंबर 3 के ऊपर लिखा हुआ है। इसका ए पार्ट है, ए पार्ट लिख दिया हुआ, देखें जी 2, 3, 5, 8, 12 और नेक्स्ट 2 वाली सीखनी है जी। क्लास जरा देखें, 3 में से 2 माइनस करने क्या आता है 1। इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है। 5 में से 3 माइनस करें क्या आएगा 2। इसका मतलब है कि 3 में 2 प्लस करें तो क्या रहता है 5। 5 में क्या प्लस करें जो 8 आता है 3। 3 में क्या प्लस करें, सॉरी 8 में क्या प्लस करें जो 12 आता है प्लस 4। 12 में क्या प्लस करें जो आगे नेक्स्ट नंबर आएगा प्लस 5, तो क्या रहेगा 17। 17 में 6 प्लस करें तो क्या आता है हमारे पास 23। इसका आंसर है, ठीक है। उन्होंने वैल्यूज प्लस करे थे 1, 2, 3, 4, 5 के लिहाज से। नेक्स्ट देखें जी, बी पार्ट दिया हुआ है 40, 35, 29, 22 -&-। 40 में से 35 माइनस करें क्या आता है, 10 में से 5 गए 5, 5 आ गया माइनस 5। देखिए वैल्यूज कम हो रही है ना, यहाँ पे बढ़ रही थी तो मैंने प्लस किया, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज क्या हो रही है कम, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ माइनस। 35 में से मैं 29 माइनस करती हूँ, देखिए क्या आता है 15 में से 9 गए 6, तो यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस 6। अब आगे देखिए क्या हो रहा है, 29 में से माइनस करें 22, 7 -7। नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या होगी -8। 22 में से -8 करें 4 और 1 14। 14 में से हम 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास क्या आ गया आंसर। आपने माइनस लिख के देखना है, प्लस लिख के देखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके पास अगली वैल्यू क्या आएगी। अब आप आ जाएं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 1। ए टू जी पार्ट हमने इसमें यही काम करना है जो अभी हमने किया है, कि हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर आ रही है और किस तरह हमने इसे सॉल्व करना है। एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1। ए पार्ट लिखा हुआ है देखें, 11, 15, 19, 23, 27 और नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने लिखनी है जी। क्लास 11 में हम क्या प्लस करें जो 15 आता है, मैं जरा माइनस लेके देखती हूँ। 5 में से 1 गए 4, मैंने यहाँ पे प्लस 4 किया तो क्या आ गया 15। वैल्यूज बढ़ रही है तो वैल्यूज क्या हो रही है, इसका मतलब है प्लस हो रही है। 15 में 4 फिर प्लस करूँ तो 19, 19 में 4 फिर प्लस करूँ 23,
23 में 4 फिर प्लस करूँ 27, देन फिर प्लस करें तो 31, 31 में प्लस 1 4 करें तो क्या रहता है 35। ओके स्टूडेंट, इस पे ये काम था। देखिए एक माइनस करने से आपको पता चल गया कि हर जगह पे क्या हो रहा है, वैल्यू प्लस हो रही है। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, 30, 60, 90, 120, 150। आगे वैल्यू देखेंगे। अब आप यहाँ देखें कि आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, प्लस भी कर सकते हैं, दोनों काम देखें इसमें। अगर मैं यहाँ पे 30 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या रहता है 60। अब मैं 60 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो आता ही नहीं है। अब मैं जब 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी ये नहीं आता, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 में क्या प्लस करें जो 60 आएगा, 60 में से माइनस करने, 0 में से 0 गए 0, 6 में से 3 गए 3, तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 एंड प्लस 30। अब फिर 150 में मैं 30 प्लस करूंगी तो क्या आएगा क्लास 180 में प्लस करूंगी 30 तो क्या आएगा 210। इज इट क्लियर? ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखें क्लास 6, 12, 18, 24 and 30 एंड नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने बतानी है। अब देखिए 6 से मैं नेक्स्ट डिजिट पर जाती हूँ, फिर आप देखिए नेक्स्ट डिजिट 12। स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यूज क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। 12 6 में क्या प्लस करूँ जो 12 आएगा, प्लस 6। 12 में क्या प्लस करूँ 18 आएगा, 6 36। फिर मैंने प्लस 6 किया तो क्या आएगा मेरे पास 42। नेक्स्ट देखें क्लास डी पार्ट 850, 800, 750, 700, 650। इसमें हमें 2 वैल्यूज बतानी है। जी क्लास वैल्यूज देखें क्या हो रही हैं, बार बार कम हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसमें क्या करेंगे, माइनस कर रहे होंगे। तो आप देखें 850 में से आप क्या माइनस करें जो 800 आएगा, माइनस 50। 800 में से जब मैंने 50 माइनस किया तो क्या आया 750। माइनस 700 माइनस 50 650, माइनस 50 600, माइनस 50 550 आ गया। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट देखें ई पार्ट 106 minus 103 comma 100 minus 97 minus 94। क्लास वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो क्या कर रहे होंगे हम इसमें, माइनस कर रहे होंगे। 106 में से मैं जब माइनस करती हूँ 103 को, 6 में से 3 गए 3 और 0 0। जी क्लास क्या आ जाएगा माइनस थ्री। देखें आप वैल्यू करके 106 में से माइनस किया 103 तो 3 आ गया, 103 में से 3 माइनस किया 100 में से 3 माइनस किया 97 में से जब आपने 3 माइनस किया 94 में से जब 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 91 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा क्लास
88। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। देखें 284, 288, 292, 296 जी क्लास, अब आपने ये बताना है वैल्यूज क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। 284 में से आप जरा माइनस कर लें, 88 में से माइनस किया 284, 4 आ जाएगा 0, 0, मतलब 4 प्लस करें, प्लस 4 करें 284 में, 4 प्लस किया 288 में 4 प्लस किया 292 में प्लस 4 किया 296 में 4 प्लस किया तो क्या रहेगा 300 में 2 प्लस किया तो क्या रहेगा, सॉरी 4 प्लस किया तो क्या रहेगा क्लास 304। ओके नेक्स्ट देखें जी पार्ट 560, 540, 520, 500 ये आ जाएगा जी क्लास। वैल्यूज क्या हो रही हैं, कम, तो आप क्या करेंगे इसमें से 560 में से आप माइनस करें 540 को तो क्या रहता है 20 माइनस करें हम, इसमें से भी 20 माइनस करेंगे, देन 20 माइनस करेंगे, इसमें से भी आप 20 माइनस कर दें तो क्या रहता है 480, माइनस 20 करें तो क्या रहता है 460। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के जी पार्ट में आपने क्या करना है, माइनस 20 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा हुआ है ऑब्जर्व, आपने मुशाहिदा करना है द गिवन चार्ट, इस चार्ट का, एंड फाइंड एट लीस्ट 5 पैटर्न आपने लिखने हैं, आल्सो सेट द रूल्स फॉर दीज पैटर्न्स, फिर इन पैटर्न के कवानीन के मुताबिक आपने पैटर्न लिखने हैं, कितने लिखने हैं आपने पैटर्न 5, 1 to 100 काउंटिंग लिखी हुई है। देखें क्लास, मैं फर्स्ट पैटर्न बनाने देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 डी क्लास, फर्स्ट पैटर्न क्या है, 10 + 10 = 20 ऐसी है। अब मैं देखिए यहां पे बनाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100 के हर वैल्यू में 10 प्लस कह रहा है, मैंने ऊपर लिख दिया 10 + 10 = 20, 20 में 10 प्लस करें 30, 30 में 10 प्लस करें 40, 40 में 10 50, इसी तरह आ जाएगा। ये हमने प्लस का काम किया। सेकंड, 5 पैटर्न्स बनाने हैं हमने इसमें से, दूसरी वैल्यू देखें जी क्या रहेगा, 99 में से माइनस 10 करें तो क्या आंसर आ जाता है 89, 79, 79, 79,
69, 59, 49, 39, 29, and 19 और 9। ये दूसरा पैटर्न बन गया, माइनस का बना लिया हमने। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? थर्ड पैटर्न देखें जी। ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पर मैं पैटर्न बनाती हूँ, वन में मैं प्लस 11 करूँ तो क्या आता है 12, 12 में 11 प्लस करूँ तो क्या आता है मेरे पास 23। देखिए जी, 1, 12, 23, 35 प्लस 12 करें तो क्या रहता है 35। नेक्स्ट देखें, 35 के बाद क्या आता है? नहीं, ये पैटर्न नहीं बनता, 11, 12, 23 जो आ रहा है क्लास, ये वाला पैटर्न नहीं बनेगा क्योंकि इसका एक लाइन आनी चाहिए। ये देखिए बनता है पैटर्न, हमने 12 प्लस किया था, 1 में 11 प्लस करें 12, 12 में 11 प्लस करें 23, प्लस 11 किया 34, 1, 12, 34, 45, 56, 67, 78, 89 यहाँ तक आ जाएगा। अगर हम 11 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 100। ठीक है, तीसरा पैटर्न ये बन गया। फोर्थ पैटर्न देखें, नाइन्टी वन में से हम 9 माइनस करें तो क्या आता है क्लास 82, 82 में से 9 माइनस करें क्या आता है हमारे पास 73। ठीक है, ये अब हमने 9 माइनस करना है, 91, 82, 73, 64, 55, 46, 37 46, 37, 28, 19 और then 10। ठीक है, फिफ्थ पैटर्न देखें। क्लास आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 में 1 प्लस करें 2, 2 में 1 प्लस करें 3, 1, 2, 3, 4, 5 ये इसका एक पैटर्न बन सकता है। ठीक है, 5 पैटर्न बनाने थे हमने, वो बना लिए हैं। एक दफ़ा मैंने 10 को 10 में प्लस कर दिया, एक दफ़ा मैंने 99 में से माइनस कर दिया, एक दफ़ा मैंने 1 में 11 प्लस किया, 4 पैटर्न में मैंने 9 को माइनस कर दिया और 5th में मैंने 1 प्लस 1 कर दिया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। बस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यही काम करना था और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड डिस्क्राइब द रूल ऑफ पैटर्न। पैटर्न के रूल के मुताबिक हमने बताना है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है। देखिए क्लास क्या आएगा, जी क्लास लिखा हुआ है, ए पार्ट में वीक्स 1 वीक है और प्लांट की हाइट क्या है 4 है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3, वीक्स और यहाँ पे क्या रहेगा, हाइट ऑफ प्लांट, 1 वीक है तो प्लांट की हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, 2 वीक है प्लांट की हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर, 3 वीक है 12 सेंटीमीटर, 4 वीक है 16 सेंटीमीटर, 5 वीक है तो 20 सेंटीमीटर। एक प्लांट जो है उगाया है उसकी हाइट कुछ इस तरह बढ़ी है कि एक हफ्ते में उसकी 4 सेंटीमीटर, 2 में 8, 3 में 12, 4 हफ्तों में 16 सेंटीमीटर होगी और 5 हफ्तों में 20 सेंटीमीटर हो गई। अब आपने बताना है कि इसके अंदर किस तरह वैल्यूज लिखी हुई हैं। 4 वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, 4 में आप क्या प्लस करें जो 8 आता है प्लस 4, 4 में आप क्या प्लस करें जो 12 आता है प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडिंग 4, के 4 को आप जब प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है। बी पार्ट देखें क्लास, रूल ऑफ पैटर्न, बॉक्सेस ऑफ ब्लॉक्स एंड टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स। अब बॉक्सेस बने हुए हैं और हर बॉक्स में टोटल ब्लॉक्सेस पड़े हुए हैं कि कितने हैं, 1 बॉक्सेस में 20 है, 2 में 40, 3 में 60। देखिए वैल्यूज क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 में 20 प्लस कर रहे हैं तो 40 आ रहा है, 40 में 20 प्लस कर रहे हैं 60 आ रहा है। तो बी पार्ट का आंसर क्या होगा क्लास, एडिंग 20, एडिंग 20 कि 20 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है। इधर क्लियर स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आ जाएं आप अपने पेज नंबर 34 पे। 34 पे लिखा हुआ है आई हैव लर्न टू, के हम पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लाई करना सीखा हमने, उसके वर्ड प्रॉब्लम सीखे हमने, फिर डिवाइड करना सीखा, फिर हमने उसके वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, फिर हमने जो है ऑपरेशन के मुताबिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के मुताबिक सॉल्व करना सीखा, फिर हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में सीखा। इंक्रीजिंग जैसे ये इंक्रीज हो रहे हैं, माइनस करते तो डिक्रीज है। फिर हमने क्या सीखा क्लास कि हम अपने पैटर्न को किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं चार्ट में। फिर हमने सीखा कि सीक्वेंस के मुताबिक इंक्रीजिंग क्या है और डिक्रीजिंग क्या है। ये सारी नंबर से जो हमने सीखे हैं, ये सारी पॉइंट्स जो हमने इस पूरे यूनिट नंबर 1 में सीख लिए हैं क्लास। नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है, रिव्यू एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट लिखा हुआ है देयर आर 4500 प्लांट्स इन 90 रो, कि 90 रोज में 4500 प्लांट्स हैं। सॉल्व करते जाएंगे और हम इस पे निशान लगाते जाएंगे। डी क्लास, अब मैंने पूछा है कि एक रो में कितने प्लांट लगे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 4500 डिवाइडेड बाय 90। क्लास 90 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर क्या आता है, 4500। तो फिर दी टिक द करेक्ट आंसर का फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर है जी, ए पार्ट का क्या आंसर है आपके पास, 3, जिस पर आपने टिक करना है। नेक्स्ट देखें, इफ द प्राइस ऑफ 1 बुक इज ₹250 देन द प्राइस ऑफ 22 बुक्स विल बी, कि एक बुक की कीमत ₹250 है तो बताएं 22 बुक्स की कितनी कीमत होगी। एक चीज की कीमत दी हुई है और दादा की मांगी हुई है, तो हम 250 को क्या करेंगे क्लास, मल्टीप्लाई बाय 22, 2 0 0, 2 5 10, 2 2 4 और 1 यहाँ पे 5 आएगा, 2 2 0 0, 2 5 10, 2 2 4 1 5 0 5,
बी पार्ट का देखे कहाँ आंसर लिखा हुआ है, 5500 कहाँ लिखा हुआ है, क्लास थ्री पे, तो आपने थ्री पे टिक कर देना। नेक्स्ट देखें, बाय डिवाइडिंग, अब उन्होंने खुद बता दिया कि आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। 3960 डिवाइडेड बाय 88 की टेबल पे 39 नहीं डालता, तो इसलिए हम कह लेंगे 396 लेंगे के मुताबिक इसे सॉल्व करेंगे। मैं सॉल्व करती हूँ 6 पे, 6 से इधर 48, 4 कैरी, 48 और 4 वैल्यू बड़ी आ जाती है, 88 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 8 24, 88 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 4 से, तो आंसर आता है मेरे पास 352। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 352। 6 में से 2 माइनस किए 4, 9 में से 4 माइनस किए और आगे क्या रहेगा, 0। 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 440। जी क्लास, क्या आंसर आया आपके पास, 45। सी पार्ट का आंसर क्या है, पार्ट 4। नेक्स्ट देखें, डी पार्ट, द नेक्स्ट टर्म इन 6, 18, 30, 42 इज डैश, क्या आपने बताना है कि अगली टर्म क्या होगी। सिक्स, एटीन, थर्टी, 42, अगली टर्म हमने बतानी है। 18 में से 6 माइनस करें क्या आता है, 2। जी क्लास, इसमें मैं क्या प्लस करूं, 12 तो क्या आएगा, 18। 18 में मैं 12 प्लस करूं तो देखिए 30 आता है, बिल्कुल आता है, प्लस 30 प्लस 12, 42 में प्लस 12 करें क्या आएगा, 6, 42 प्लस 12, 54, तो आंसर क्या है, पार्ट डी का 2। नेक्स्ट देखें, द नेक्स्ट टर्म इज इन 88, 78, 68 वैल्यूज क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, माइनस टेन करें तो आंसर आ रहा है, मजीद मैं -10 करूँगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 58। तो स्टूडेंट आपका आंसर है ई पार्ट का 58, जो पार्ट 2 है। ठीक है क्लास, नेक्स्ट आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है मल्टीप्लाई का, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है डिवाइड का। जो स्टूडेंट आपने रिव्यू एक्सरसाइज आपने करनी है, जो आप पीछे कर चुके हुए हैं, मैंने मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस भी करवाए हैं, डिवाइड के भी करवाए हैं, यहाँ पे भी वैसे ही उन्होंने दिए हुए हैं। स्टूडेंट हमारा यूनिट नंबर 1 पार्ट 3 मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन मुकम्मल हो गया है। आप सब ने इसे इस पूरी वीडियो को 2, 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड करके देखना है और समझ कर आपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम अपने अगले लेक्चर यूनिट नंबर 2 के साथ मैं आपसे मिलूंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
Thank you.